दोस्तों आज हमारे पास है अपाची। अपाची की लुक आप देख सकते हो पेंटिंग करने के पहले की, और ये देख सकते हो कि पेंटिंग करने के बाद की। दोस्तों पहले तो हम टोटली जो जो पार्ट गाड़ी पे है वो पार्ट को सेपरेट करेंगे। दोस्तों इस पेंटिंग के दौरान हम सिर्फ टैंक और प्लास्टिक की कवर और आगे वाला मडगार्ड और पीछे वाला मडगार्ड ये सब चीज़ें पेंट करेंगे। दोस्तों देख सकते हो आप टोटली पार्ट सेपरेट करने के बाद गाड़ी किस तरह से दिखाई दे रही है। जब आप पार्ट सेपरेट करते हो तो हॉट गन से उस पार्ट पे जो पुराने वाले स्टिकर्स चिपकाए हुए होते उस स्टिकर को रिमूव करना होता है, वो टोटली आप प्रोसेस देखेंगे। स्टिकर रिमूव करते समय एक चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है, जो नीचे का स्टिक रहता है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। अगर वो रिमूव नहीं होता तो उसे पेट्रोल से रिमूव करना होता है। दोस्तों स्टिकर निकालने के बाद पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। स्टिकर निकालने के बाद जो आगे वाली स्टेज होती है वो 320 नंबर का सैंडिंग पेपर यूज करके उस टैंक को जो क्लियर कोट होता है एंड जो रफनेस होता है उसको प्लेन करना होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरह से उसको सैंडिंग किया जा रहा है। जितनी अच्छी तरह से आप सैंडिंग करोगे कलर की फिनिशिंग उतनी ही अच्छी तरह से आएगी। दोस्तों यहाँ पे कलर का स्प्रे किया जा रहा है। आप देखोगे कलर मारते समय आप वो गन एक जगह पे नहीं रुका सकते, क्योंकि एक जगह पे वो गन रुकेगी तो कलर की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, उस जगह पे फिनिशिंग नहीं आपको दिखाई देगी। दोस्तों कलर हो जाने के बाद यहाँ पे स्टिकर अप्लाई करने का स्टेज आता है। स्टिकर को अप्लाई करने के बाद उसमें जो एयर बबल्स रहते हैं उसको हॉट गन से रिमूव करना होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि स्टिकर लगाने के बाद किस तरह से टैंक और ऑल पार्ट्स दिखाई दे रही है। जैसे कि पहले पार्ट सेपरेट किए थे उसी तरह से उसी सीक्वेंस में जो पार्ट जहाँ से निकला था वहीं पे हम फिट करेंगे। दोस्तों फिट करते समय यही ध्यान में रखना चाहिए कि जो पेंटेड पार्ट है उसको किसी भी तरह की डैमेज ना हो।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर इस पेंट में कुछ कमी दिखाई दे दे आपको तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।